हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंफोसिस शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इंफोसिस शेयर के ऊपर। अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे इंफोसिस के ऊपर, तो इंफोसिस करेंटली आपको 68 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट आपको 4.4% नीचे स्टॉक जो है आज यहां पे ट्रेड कर रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ था, पूरा का पूरा मार्केट ही आपको गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद से मार्केट में बहुत स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिल रहा है। लेकिन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में अगर हम लोग देखेंगे, तो सभी के सभी स्टॉक्स में जो है आपको 2 से 3% या फिर 4% का गिरावट देखने को मिल रहा है। जिसमें कि आईटी सेक्टर में भी सबसे ज्यादा गिरावट हम लोगों को इंफोसिस के अंदर देखने को मिल रहा है। टीसीएस, एलएनटी टेक्नोलॉजी, माइंडट्री, इन सभी स्टॉक्स में जो है हम लोगों को ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। करेंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक आपको 1475 पे ट्रेड कर रहा है। 4.5% नीचे जो है स्टॉक यहां पे आपको ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें टेक्निकली, अगर स्टॉक के लेवल्स की हम लोग बात करें यहां पे, तो स्टॉक आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की साइड अगर हम लोग रेंज देखेंगे तो 1400 to 1440 इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड अगर हम लोग यहां पे बात करें तो ऊपर की साइड है आपको 1620 to 1640 इस रेंज में स्टॉक यहां पे कंटिन्यूअसली आपको ट्रेड कर रहा है। यहां पे अगर देखेंगे चैनल पैटर्न में स्टॉक जो है काफी लंबे समय से इस रेंज में स्टॉक यहां पे ट्रेड कर रहा है। करंटली नीचे के लेवल से एक अच्छा बाउंस जरूर मिला था स्टॉक में, लेकिन वापस से स्टॉक यहां पे ऑलमोस्ट अपना पूरा गेन जो है यहां पे लॉस करता हुआ दिख रहा है। 1500 के लेवल के नीचे जो है आपको यहां पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब यहां पे अगर देखेंगे, अगर स्टॉक यहां पे 1400 के लेवल के नीचे आपको ट्रेड करने लगता है, यहाँ पे की जाने में अभी आपको एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का समय लग सकता है। क्योंकि उससे पहले स्टॉक को यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है 1400 to 1440 का। इस सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करके स्टॉक नीचे की साइड 1400 के लेवल के नीचे निकल जाता है, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो डेफिनेटली जो है स्टॉक में एक काफी अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर की साइड बात करें, जब तक स्टॉक यहां पे 1650 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, यहां पे इस स्टॉक में हम लोगों को एक तेजी देखने को नहीं मिल सकता है। बाइंग के लेवल्स की अगर हम लोग बात करें, अगर 1440-1450 के लेवल के अराउंड यहाँ पे हम लोगों को कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न दिखता है या कोई भी एक बुलिश साइन दिखता है, हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही कम होने वाला है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ऊपर की साइड टारगेट जो है आपको 100-120 पॉइंट का इजिली एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। ऊपर की साइड 1600-1640 इस सभी लेवल के राउंड अगर हम लोगों को एक सेलिंग का साइन दिखता है या फिर आपको एक नेगेटिव साइन दिखता है, तो हम लोग यहां पे जो है इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। जो मेजर ब्रेकडाउन आएगा 1400 के लेवल के नीचे, मेजर ब्रेकआउट जो आएगा वो आएगा आपको 1650 के लेवल के ऊपर। इन बिटवीन जो है हम लोग यहाँ पे चैनल पैटर्न की तरह इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।